हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट मैं और लेकर के आया हूँ गाइस। तो मैं आज का कंटेंट मैं बता दूं, आज ही क्वालकॉम, अभी तक आपने देखा होगा कि वीवो का जो डेमो लॉक है, आप देख रहे हैं कि कैसे उसको अनलॉक कर रहे हैं, चाहे वो UMT हो चाहे वो अनलॉक टूल हो। तो आपने देखा था केवल MediaTek CPU को सपोर्ट हो रहा था, बट गाइस ये जो वीडियो है अमेजिंग है, अनलॉक टूल बहुत ही अच्छा है गाइस। तो इसमें आज क्वालकॉम CPU का भी सपोर्ट दे दिया है गाइस, कि क्वालकॉम CPU का अगर डेमो लॉक लगा हुआ है तो आप उसको अनलॉक कर सकते हैं गाइस। तो ये आज का वीडियो है। तो चलिए मैं आज को ये अपडेट बताने से पहले, आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे गाइस। तो ये अनलॉक टूल के ऊपर एक छोटी सी वीडियो अपडेट वीडियो है गाइस। तो चलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको यूज करना है और क्या उसका अपडेट है। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये अनलॉक टूल के साइड में हम पहुंच गए। आपको लिखना है unlockTool.net, तो आप अनलॉक टूल के साइड में पहुंच जाएंगे गाइस। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, तो सिंपल और सिंपल आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे गाइस, तो ये पेज खुल जाएगा डाउनलोड करने का, इसका सेटअप। तो आपको ये भी नहीं पता रहता कैसे सेटअप डाउनलोड करना है, क्या करना है, इसलिए सारी वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकल तौर से लेकर के आता रहता हूँ गाइस। तो जैसे आप डाउनलोड पेज पे आ जाएंगे, unlockTool.net लिखेंगे, उसके बाद आप डाउनलोड पे आएंगे तो आप इसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसके टूल को डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो देख सकते हैं सिंपल सिंपल ही आज का ही अपडेट आया हुआ है, फरवरी 8 का ये अपडेट है गाइस। जैसा कि मैं बता दूं, रात के 2:40 में ये अपडेट आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो अपडेट है देख सकते हैं, न्यू अपडेट फंक्शन यहाँ पे क्वालकॉम CPU जो है, वीवो का जो क्वालकॉम CPU, रिमूव डेमो विथ EDL गाइस, मतलब ये EDL से आपका कनेक्ट होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतने सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे, V20, V21, V50, V Y20, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने EDL से टेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। तो चलिए फटाफट इसको डाउनलोड कैसे करना है, आप सिंपल तीन सोर्सेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नाउ पे भी क्लिक कर देंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव का खुल जाएगा और ये मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड करके रख दिया है। तो चलिए फटाफट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने डाउनलोड करके रखा है गाइस। तो सिंपल ये डाउनलोड हो जाता है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करिए इसको, या तो आप इसको स्ट्रैक कर लीजिए। तो ये छोटी सी वीडियो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मॉडल इन्होंने ऐड किया है गाइस, ये पर्टिकुलर इन्होंने ऐड किया है कि नहीं किया है, और ये टैब काम करता है कि नहीं काम करता है गाइस। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अभी ये फटाक से ओपन हो जाएगा और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये वर्क हमारा करता है कि नहीं करता है गाइस। तो आई होप वीडियो, ये अपडेट, छोटी छोटी वीडियो, ये जो अनलॉक टूल है, बेटर एंड बेटर, मतलब बोला जाए तो बहुत ही अच्छा ये टूल है, लेटेस्ट वर्जन। अब यहाँ पे सिंपल अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जस्ट अ सेकेंड अभी लॉगिन हो जाएगा और बहुत अच्छा है गाइज। मैं तो ये प्रिपेयर करूंगा कि एक टूल में आपको सारा टैब देखने को मिल जाता है। बाकी मेरे चैनल में और भी काफ़ी सारी डिटेल वीडियो डली हुई है अनलॉक टूल के ऊपर, बाकी चाहे तो आप जा करके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ केवल ये अपडेट के बारे में मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, चेक करके कि क्या उन्होंने फंक्शन को ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है गाइस। तो चलिए फटाक से इसको ओपन होने देते हैं और ये अभी ओपन हो गया हमारा गाइस। तो ये इंटरफेस है अनलॉक टूल का इंटरफेस, तो आप शुरू में भी देख सकते हैं, जैसे आपने अनलॉक टूल का इंटरफेस खोला तो यहाँ भी आपको अपडेट दिखाई दे जाएगा कि इन्होंने अपडेट क्या किया हुआ है गाइस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही, मतलब बहुत इजी टूल है गाइस। तो चलिए फटाफट देना करते हैं, वीवो में जाते हैं। वीवो जाने के बाद V20 अपना मॉडल देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे V20 यहाँ पे अपना मॉडल देख लेते हैं कि अपना मॉडल है कि नहीं। देखिए ये EDL पे वर्क करेगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पे आपका Snapdragon 720G यहाँ पे CPU लगा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जैसे मैं आ गया तो यहाँ पे रिमूव डेमो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइस। ये देखिए रिमूव डेमो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये अभी तक MediaTek में था, अब ये क्वालकॉम में भी इन्होंने कर दिया है गाइस। तो आपको यहाँ पे Remove Demo 2 करिए, Remove Demo 1 करिए, ब्राउन होगा तो ये MediaTek होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीलोडर रिमूव। तो गाइस ये जो टैब था बहुत ही अमेजिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। इरेज फैक्ट्री सेट, इसको अपन लॉकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका फंक्शंस है, ये सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मतलब बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा है। और इन्होंने जो ऐड किया था Vivo SE V20 SE को भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे Vivo V20 SE जो न्यू मॉडल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो हमने V20 भी खोला था, ये फंक्शन जो था गाइज ये MediaTek का था, जो यहाँ पे ब्राउन प्री लोडर और ब्राउन लिखा हुआ है ये MediaTek का है। अब हम यहाँ पे आते हैं Vivo V20
SE, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडीएल में जो ईडीएल का फंक्शन है गाइज, यहाँ पे देखिए हाईलाइट दिखाई दे रहा है, तो रिमूव डेमो गाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोन को कनेक्ट करना है ईडीएल मोड में, और ये हमारा 110% आपका ये जॉब टर्न कर देगा जो कि उन्होंने लिखा हुआ है टेस्टेड गाइज। तो यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि फोन हमारे पास कोई कनेक्टेड नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए गाइज।